रतनगढ़ थाने में आया था और मैंने जनसभ्यता मीटिंग रखी थी, उसके बाद थाने का निरीक्षण भी रखा है। तो पब्लिक ने अपनी जो समस्याएं हैं यहाँ पे, सामूहिक समस्याएं हैं, वो भी बताई और जनसुनवाई भी करी गई, जिसके अंदर व्यक्तिगत जिसको कोई समस्या है उसके मुकदमा में कार्रवाई नहीं हो रही या परिवाद उसने दिया हुआ उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी भी सुनवाई करी गई। लोगों ने ट्रैफिक की समस्या बताई, सीसीटीवी कैमरास के बारे में बताया, तो उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको जल्दी ही जो बंद पड़े उनको चालू करा जाए। और साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूकता फैलाई गई है, बताया गया है कि जागरूकता से ही साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। अगर किसी के साथ तब भी घटना हो जाए तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस के पास आके दें, तो अगर उनका कोई ठगी हो गई है तो उसके पैसे भी हम तुरंत रिकवर कर लेंगे और आरोपी तक पहुंचने में आसानी होगी। और ट्रैफिक नफरी के बारे में बताया गया, उसके बारे में भी जो जाप्ता जितना बढ़ा जाया जा सकता है वो बढ़ाया जाएगा। और पब्लिक का सपोर्ट हर चीज़ के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए जनसहभागिता मीटिंग रखेगी, सहभागिता पब्लिक की रहे। अपराधों को जब भी रोका जा सकता है जब सब पब्लिक मिलकर एक साथ काम करेगी और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी आम जनता, क्योंकि ये देखा गया है कि 99% से जो ज़्यादा जनता होती है वो अच्छे लोग होते हैं और पुलिस के मदद करने वाले होते हैं, खाली 1% से कम ही बदमाश अपराधी होते हैं। तो उन पर लगाम लगाने के लिए 99% जो जनता अच्छी है वो साथ पुलिस के आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर अपराधों पर लगाम लगती है। और जो भी बदमाशी करेगा या कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी, चाहे किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करे, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें या वैसे करने की कोशिश करें, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सर, कैफे को लेकर अभी चर्चा चल रही थी, जिले भर में ये कैफे की समस्या है सर, इनके लिए कोई की जाएगी कोई कार्रवाई? कैफे जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी, जिले लेवल से भी कार्रवाई करी जाएगी, रेड कराई जाएगी। अगर कोई अवैध गतिविधियाँ कर रहा है, अवैध धंधों में लगा हुआ है, तो सख्त इन पर जल्दी कार्रवाई करेगी। सर ये अगर कुछ ऐसा हुआ तो थाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी, बीच कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। मैंने अपने नंबर भी इसलिए जारी कर दिए हैं, अगर ऐसी कोई सूचना किसी को मिलती है तो मुझे भी बता दें, तो मैं अपने वहाँ से भी कार्रवाई करा दूंगा और थाने लेवल पे भी एक्शन लूंगा। सर सत्ता यही है जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है, संगठित अपराध जो करते हैं उनके खिलाफ, और महिला और बच्चों के साथ कोई भी अपराध होता है तो उसके अंदर पहले तो ये अपराध हो नहीं, हो जाए तो उसमें त्वरित कार्रवाई करके जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त उस पर चालान पेश करना जल्द से जल्द, और सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई कराना। और ट्रैफिक से संबंधित भी जो एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है वो उसमें कमी लाना, और इसके लिए भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इससे ही ट्रैफिक जो में जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ सके। थैंक यू सर। तो बीच कांस्टेबल सबसे पहले सस्पेंड होगा। सर इसमें एक बात हो रही है, जब इनको बताते हैं तो ये ओरिजिनल पता चल जाता है वहां पर, जैसे कितनी फाइलें हैं? कब से कहाँ चले गए?
कराओ, 40 का निष्पादन कराओ, एनडीपीएस बाबा लेके हो गई कार्रवाई। हाँ 100 दिवसीय योजना में कर रहे हैं, अलग हो जाओ भाई, आज रोज रिजल्ट आना चाहिए ना एक दूसरे, ठीक है।